हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे। ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसके जो राइटर है वो कौन है? खुशवंत सिंह, एक नंबर। मेन करेक्टर कौन है इस स्टोरी का? वो है ग्रैंड मदर, दादी जी। विच एनिमल डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन विलेज, कौन से जानवरों को जो ग्रैंड मदर है गांव में खाना खिलाती थी? वो है डॉग्स। वॉट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, और वो जो ऑथर है वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था जब वो गांव में रहता था अपनी दादी के साथ? थिक स्टेल चपातीज, स्टेल का मतलब होता है रात की, है ना, बासी चपातीज। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ ऑथर, उस टाइम पे जो ऑथर के पेरेंट्स थे वो कहां पे थे? वो थे सिटी में, यानी कि शहर में। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन सिटी, जब ऑथर सिटी में शिफ्ट हो गया तो वो पढ़ने कहां जाता था? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन सिटी, जब ग्रैंड मदर सिटी में शिफ्ट हो गई तो वो क्या करके अपना टाइम व्यतीत करती थी? रीडिंग स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी तो वो पुराण वगैरह पढ़ती रहती थी। What was grandmother's reaction when the author was going abroad? जब author कहां जा रहा था, विदेश जा रहा था, तो grandmother का reaction क्या था? Not even centimeter. उन्होंने मतलब रोई धोई नहीं, बस उन्होंने कहा ठीक है, ओके, बस ठीक है। यहां पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं ताकि आपके पास ये क्वेश्चन सेव रहे। अब बढ़ रहे हैं आगे। अब आगे देखिए, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो, जो स्पैरोज थी, जो वो चिड़िया थी, उन्होंने अपना दुख कैसे प्रकट किया? एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, जब ग्रैंड मदर की डेथ हुई, दे सैट साइलेंटली एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि ग्रैंड मदर रोज उन्हें खाना खिलाती थी, तो जिस दिन ग्रैंड मदर मरी उन्होंने ना कोई आवाज करी ना उन्होंने कुछ भी खाना खाया। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, जब ग्रैंड मदर मरने वाली थी तो उन्होंने अंतिम समय में क्या किया? प्रेड साइलेंटली विद बीड्स, उनके पास जो माला होती थी बस उसी पे वो पूजा करती रही और किसी से बात उन्होंने नहीं की। वॉट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दिन क्या हुआ जब ग्रैंड मदर ने पहली बार अपने जीवन में प्रार्थना नहीं की, प्रेयर नहीं की? शी फेल इल द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन ही बीमार पड़ गई। What was the turning point of friendship between grandmother and author? जो grandmother और जो author था उनके बीच में जो bond था, जो friendship थी, उसमें turning point कब आया? When his parents called both of them to the city, जब उसके जो parents जो city में थे, जब उन्होंने उन दोनों को कहां बुला लिया? City में। यहां इसका screenshot ले लो। Next question है, Was grandmother happy with new English school? जो बच्चा author जो है जब वो नए स्कूल में जाने लगा, English medium school में जाने लगा, तो grandmother इस decision से, इस बात से खुश थी क्या? Answer है नहीं, वो खुश नहीं थी, क्योंकि उस वाले स्कूल में English पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था और जो moral चीजें हैं, धर्म की जो चीजें हैं, religious चीजें हैं, जैसा कि उसके स्कूल में पढ़ाई जाती थी गांव वाले में, वो नहीं पढ़ाई जाती, तो वो खुश नहीं थी। What kind of lady grandmother was? Grandmother जो है किस तरह की लेडी थी? Religious and animals lover. Religious का मतलब है धार्मिक थी और जानवरों से बड़ा प्यार करती थी। What was the happiest half an hour for grandmother in city? जब grandmother city में shift हो गई तो उनके लिए सबसे अच्छा आधा घंटा क्या था? वो था when she would feed sparrows. वो वाला आधा घंटा जिसमें वो sparrows को, जो चिड़िया होती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। So यहाँ पे बहुत जल्दी से हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और क्या आप चाहते हो इस तरह से मैं दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं? चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाबा 123। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।